आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। बीजेपी के खिलाफ जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने पोस्टर, बैनर, स्टिकरों की छपाई करवा ली है। गांधी जयंती के दिन कांग्रेस अपनी प्रचार सामग्री को लॉन्च करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ कई सुरक्षा सवालों को शामिल किया है। यहां तक कि कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के बच्चों तक को नहीं छोड़ा है। सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सवाल खड़े किए गए हैं। कांग्रेस के वार रूम में पड़ी प्रचार सामग्री एक दिन बाद पूरे प्रदेश में पानी की तरह बहाई जानी है। कांग्रेस गांव-गांव जाकर इस सामग्री को बांटने जा रही है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, जाहिर सी बात है राजनीतिक दलों के बीच पोस्टर वॉर तो छिड़ना ही है। जिस पोस्टर वॉर की बात हम कर रहे हैं और जो पोस्टर आज कांग्रेस के हम आपको दिखा रहे हैं वो बेहद दिलचस्प है। उसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जो भाजपा की दुखती रग को दबा सकते हैं और आने वाले समय में इन पोस्टरों को लेकर भाजपा आग बबूला होगी, ये तय है। पोस्टर कुछ इस तरह से हैं, एक तो महंगाई को लेकर सवाल उठाए गए इन पोस्टर्स में। महंगाई को लेकर अच्छे दिनों की सच्चाई जो है अक्सर कांग्रेस उठाती है, उसमें ढेर सारे सवाल उठाए गए हैं। महिलाओं की बेरोजगारी दर क्या है उसके आंकड़े छापे गए हैं। महिलाओं के खिलाफ जो आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं उसके आंकड़े छापे गए हैं। और तमाम जो खाने पीने की चीज़ें महंगी हुई हैं उनके दाम सहित कंपैरिजन किया गया है। अपने कार्यकाल यानी कांग्रेस 2013 के जो रेट हैं वो उठाकर मौजूदा रेट की तुलना इसमें की जा रही है। एक पोस्टर ये बेहद दिलचस्प है, इस पोस्टर में ये सारे पोस्टर अभी लॉन्च होने हैं जो आज हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस के। इसमें रोजगार दो एक स्लोगन लिखा गया है। उत्तराखंड में बेरोजगारी में नंबर एक बनाने का जिम्मेदार कौन, मौजूदा भाजपा सरकार को इस निशाना साधा गया है। इसमें कहा गया है कि उत्तराखंड में 4 में से 1 युवा बेरोजगार है, आंकड़ा भी बकायदा दिया गया है। बेरोजगारी शहरों के साथ साथ गाँवों में भी पहुँच चुकी है, ये पोस्टर गाँवों में बंटने हैं। और तमाम जो एक दिलचस्प सवाल और इसमें है, इसमें लिखा गया है कि अगर सरकार को रोज़गार देने की याद आती है तो देहरादून के मेयर की बेटी और विधानसभा अध्यक्ष के का बेटा उन्हें नज़र आता है। आप जानते हैं कि कुछ समय पहले मेयर सुनील उनियाल गामा की पुत्री के एक किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उनको एक जॉब मिली थी, उसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ था, उस मुद्दे को उठाया। यानी कि भाजपा के जो नेताओं के जो बच्चे हैं उन्हें भी इस बार पोस्टर में घसीट लाई कांग्रेस। विधानसभा अध्यक्ष के बेटे का मामला तो बेहद तूल पकड़ा था, उपनल से उनकी भर्ती हो गई थी, बाद में उसे वापस आना पड़ा, उसके बाद उन्हें मौजूदा मुख्यमंत्री ने अपना सलाहकार बनाया था, तब भी बड़ा बवाल हुआ था। तो इन तमाम सवालों को लेकर कांग्रेस ने ये पोस्टर अब छाप लिए हैं, ये प्रचार सामग्री गांव-गांव बंटनी है और गांधी जयंती के दिन यानी कि 2 अक्टूबर के दिन ये पोस्टर लॉन्च किए जाएंगे एक साथ पूरे उत्तराखंड में। और एक तरह से पानी की तरह घर घर तक ये पोस्टर जाने हैं जिनका जवाब अब भाजपा को देना होगा। कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।